की हाल चाल है, वेलकम बैक अपने झिंजल ट्रांसपोर्ट चैनल से थोड़ा एक बार फिर स्वागत है। तो आप जी एजेंसी तो आए थे नोवा लाइफ तो जिदा आप दसिया जी आप जो सुनया जी तो उदा ही सारा कुछ सैट होया परफेक्ट है। तो आ खड़े ने सारा अपने नाल बिल्कुल स्टैंड किया अपना मोडा ना मोडा ला के। तो जी सू एक दो प्रॉब्लम आई थी इतने आके तो लिथुवेनिया कौंस के कंपनी वाल थोड़ी जी मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो वो सॉल्व आउट हो गई है। तो सारा आगे खुद इतने आके करवा रहे हैं। तो जे काम करवाना है तो अपनी मैं कहना इनोवा लाइफ तो करवाओ। तो बाकी सर थानू पता ही इतने खड़े ने प्रूफ है अपनी इस उपर मैं की प्रूफ दे सकता। तो तुम जे किसी ने क्वेश्चन करना कमेंट करके दस दौ तो अपने फेसबुक चैनल से पेज आ झिंजर ट्रांसपोर्ट से उससे मैसेज कर दौ। बाकी सर नाल कॉन्टैक्ट कर लियो तुम तो सर तुम दसो। ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ झिंजर ट्रांसपोर्ट सबको मेरा हैलो और वेलकम फॉर सीइंग दिस वीडियो। जैसे आज हम मनप्रीत के साथ कॉनर्स में खड़े हैं, मैं मीटिंग के लिए ही आया था। मनप्रीत अभी यहाँ पे काम कर रहा है, कुछ इश्यूज थे कंपनी के जो हम रिजॉल्व करवा रहे हैं और मेरा हमेशा से मन होता है कि मैं अपने ड्राइवर्स को आके मिलूं और मैं अभी लिथुवेनिया इसीलिए आया था अपने ड्राइवर्स को मिलने के लिए। तो और इसीलिए आज हमने मनप्रीत और हमने डिसाइड किया कि एक वीडियो हम झिंजर ट्रांसपोर्ट ग्रुप पर भी डाले। मैंने सुना है बहुत फेमस हो रहा है ये यूट्यूब चैनल और आने वाले टाइम में ये इंडिया का आई थिंक एक इंडियन का बनाया हुआ सबसे बड़ा चैनल होने वाला है लिथुवेनिया के अंदर। सो कंग्रेचुलेशन टू मनप्रीत एंड कीप एडिंग मोर सब्सक्राइबर्स सो यू कैन सी मोर information about this country and get to know more. Okay, thank you sir. Good evening to all the drivers back in Indian Middle East. Aaj main hamare batch one of the batches se milne aaya hu Corners ke andar aur abhi hum mall ke samne khade hain. Milne ka reason ye tha ki thodi kuch problems chal rahi hain company ke sath jahan pe abhi ye log employed hain. तो बस मैं आज प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए आज कमन बैठते हैं और इसी टाइम पे जो हमारे बाकी सब ड्राइवर्स हैं ये भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना इसका शेयर करेंगे क्या इनके इश्यूज हैं, क्या कंट्री है, वैसे इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। हाँ जी, तो सबसे पहले जी मनोज सर का थैंक यू जो अभी इधर आए हुए हैं। हमारा प्रॉब्लम है कुछ कंपनी के अंदर तो मैटर जो भी है हमारा वो सॉल्व करेंगे मनोज सर। और जो भी आदमी आगे आने वाला है वो थोड़ा देख के आए क्यों कंपनी में इधर बहुत इश्यू चल रहा है, लोग कुछ बोल रहे हैं होता लेकिन इधर कुछ है। तो जो भी आदमी आए थोड़ा कंपनी देख के आए क्यों ऐसा नहीं है, इधर बहुत प्रॉब्लम भी आ रहा है, प्रॉब्लम थोड़ा देख के आए आदमी। और कोई शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस? हाँ जी, जैसे जितेंद्र ने बताया यहाँ पर सारी प्रॉब्लम ऐसे सेम ही है और हमने इंडिया से मोनल सर को बोला, मोनल सर खुद आए यहाँ पर और हमारा देखा कर इन्होंने प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आने का मतलब यही है कि यहाँ पर आ भी जाता है इंसान और सब कुछ हो भी जाता है पर प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पर कंपनियों में। तो इसलिए मुन्ना सर आए हैं, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम देखी है तो यहाँ उस प्रॉब्लम का सलूशन भी निकालते हैं ये। तो नहीं, हम सी वीज़ा लगवा देती हैं बट वो उसके साथ ड्राइवर के साथ खड़ती नहीं, स्टैंड नहीं करती, छोड़ देती हैं ऐसे ही भी जो जैसे होगा आप देखो। तो थैंक यू सर नोवा लाइफ एंड मनोज सर जेडे साढ़े इतने आगे सारी हेल्प की है तो प्रॉब्लम सॉल्व आउट की। थैंक यू। तो जैसे वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है, आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहुत एजेंसीज हैं बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, बड़े बड़े प्रोमिसज ड्राइवर्स को कर रही हैं। आप इस तरह की गलत फेक प्रोमिसज पे ना आओ क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जब एक्चुअल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं तो आपको रियलाइज होगा कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है। हाँ, कंट्री बहुत सुंदर है, जो अगर आप आज अभी किसी से फीडबैक लो तो कंट्री एक्चुअली बहुत सुंदर है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन अच्छी कंपनी में आना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे मैं सुनता हूँ ड्राइवर्स हमें फ़ोन करते हैं जी हमें तो उसी कंपनी में जाना है जहाँ 2500 यूरो सैलरी है, जहाँ 2600 में बताई जा रही है, ऐसी कोई सैलरी नहीं है यहाँ पर। मैंने बहुत टाइम पहले भी वीडियो एक डाला था कि जो भी ड्राइवर वहाँ से आए वो अपना माइंड 1500 यूरो के लिए रेडी करके आए। अब आपको मिले 1800, 2000, 2100 वो आपकी सैलरी एक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपके मंथ्स के एक्सपीरियंस पे, आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या रहा है, किस कंपनी में काम कर रहे हो, किस तरह के ट्रक्स चला रहे हो, बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो आप वहाँ पे सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें सुन के और आप अपना माइंड बनाओ और फिर आप यहाँ पे आके गो कंप्लेन करो कि नहीं जी वहाँ पे तो हमें ये बोला गया था वो बोला गया था ये।